कैलाश किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज हैदराबादी सब्जी। पंजाबी सब्जी तो आपने बहुत खाई होंगी, पर ऐसी सब्जी आपने नहीं खाई होंगी। बहुत टेस्टी लगती है। यह मैंने एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और एक चम्मच बटर डाला है। इसके अंदर 3 लौंग डालूंगी, 1 बड़ी इलायची डाली है, 3 चक्री फूल के हिस्से डाले हैं और थोड़ा मरी पाउडर डाला है और साबुत धनिया डाला है 2 चम्मच। इसके अंदर आप हरी इलायची हो तो 2 डाल सकते हो, मेरे पास हरी नहीं है तो मैं थोड़े हरी इलायची के बीज डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने 3 प्याज को रफली काट लिया है, वो डाल दूँगी। यहाँ मैंने 3 काश्मीरी मिर्चे डाले हैं और 8-10 काजू नंग डाले और 2 चम्मच तिल डाला है। और 20 से 25 कड़ी पत्ता डाला है। और आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास यहाँ नहीं है तो मैं सूखा वाला कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। इसको हम 5 मिनट तक से फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ मैंने थोड़ा पुदीना डाला है और मैंने यहाँ पालक की 1 जोड़ी डाल दी है, वो 300 ग्राम की थी वजन के हिसाब से। और थोड़ा धनिया डाला है। पालक और प्याज थोड़ा नरम हो जाए तब तक हम उसको पकाएंगे। अब वो नरम हो गया है, अब उसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यह हमें गार्लिक नान की तैयारी कर लेते हैं। एक चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच शक्कर डाला है और 1/4 चम्मच मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा डाला है और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। और 50 ग्राम खट्टा दही डाला है। को बराबर मिक्स करके आटा गूंद लेंगे। सॉफ्ट आटा हम गूंदेंगे, रोटी से थोड़ा नरम आटा। शक्कर मेरे को कम लग रही है तो मैं 1 चम्मच और शक्कर डाल रही हूँ। यह मैंने 500 ग्राम आटा लिया था, 500 ग्राम आटा का माप है। अब लोट को हम ऐसा स्मूथ करेंगे। फिर अब तेल से चिकना करके हम उसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अब ढक के हम साइड पर रख देंगे। अब हमारी वो पालक और प्याज ठंडी हो गई है, इसके हम प्यूरी बना लेंगे। और एक कढ़ाई में, वही कढ़ाई मैंने ली है, इसके अंदर थोड़ा ही तेल डाल के हम सब्जी थोड़ी थोड़ी फ्राई कर लेंगे। सब्जी हम उबाल भी सकते हैं पर ये फ्राई करेंगे इतना इसमें टेस्ट आएगा, वो उबली हुई सब्जी में नहीं आएगा।
हरे मटर और स्वीट कॉर्न मैंने यहाँ उबाल लिया है। इसके अंदर थोड़ा नमक डाल के 5 से 7 मिनट हम पका लेंगे। आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो डाल सकते हो। यहाँ मैं आधा घी और आधा तेल डाल रही हूँ। तेल का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो ही सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हो स्किप भी कर सकते हैं, बिना लहसुन और प्याज के भी बना सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। या मेरे पास तिल का तेल है इसलिए थोड़े झाग ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा और धनिया पाउडर, काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डालेंगे। तीखा तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाले हैं ऐसे हाथ के मसल के। और 3 टमाटर लिए थे उसकी प्यूरी बना के वो भी डाल देंगे। अब तेल सेपरेट होने लगे तब तक हम पकाएंगे। अब हमारा तेल सेपरेट होने लगा है वो पालक और प्याज की पेस्ट हम डाल देंगे इसके अंदर। बराबर मिक्स कर लेंगे और सब सब्जी भी अंदर डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, अब भी थोड़ा कम है तो डाल रही हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। काजू और तिल है तो थोड़ा पानी सोख लेंगे सब्जी। अब इसके अंदर यह मैं फ्रेश मलाई ले रही हूँ। मेरे पास सितोली है, नहीं तो आप नहीं हो तो क्रीम भी ले सकते हो। और यह मैंने 200 ग्राम पनीर दिया है वो ऐसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। वो ग्रेट करके पनीर डालेंगे तो हर बाइट में पनीर का टेस्ट आएगा। काट के भी डाल सकते हो पर ये ज़्यादा टेस्टी लगता है सब्जी, इसलिए मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। अब सब्जी में से ऑयल सेपरेट होने लगा है, अब गैस बंद कर देंगे, सब्जी हमारी रेडी है। आटा भी बराबर स्मूथ हो गया है, आधा घंटा हो गया है। उसको हम थोड़ा तेल लगा के मसल लेंगे। फिर ऐसे हम इसका गोल गोल लुआ बना लेंगे और उसके ऊपर 2 लहसुन की कलियाँ से छोटी छोटी काट के चिपका देंगे और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। आप इसके ऊपर काले तिल और कलौंजी भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो डाल सकते हो। आपके पास आयरन का तवा हो तो उसके ऊपर भी पराठा बना सकते हो, नहीं हो तो एल्यूमिनियम का तवा पर भी बना सकते हो। नॉनस्टिक तवे में ऊपर नान चिपकेगा नहीं, और उल्टी साइड करके हम बराबर पानी उसके ऊपर लगा लेंगे ऐसे पीछे से, चम्मच से भी लगा सकते हो। फिर मेरे पास यहाँ पुराना वाला एल्यूमिनियम का तवा है, उसके ऊपर मैं बना रही हूँ तो इसके ऊपर बराबर दबा के चिपका देंगे। फिर उसके ऊपर थोड़े बबल आ जाए तब हम उल्टा कर लेंगे और गैस की फ्लेम पर ऐसे सेक लेंगे। ये नान आप खाएंगे तो सेम होटल जैसा टेस्ट आएगा।
उसके ऊपर हम घी या बटर लगा देंगे, आपको जो भी पसंद है वो लगा सकते हो। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ, आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो तो बिना प्याज और लहसुन के भी ये सब्जी और पराठा बना सकते हो। मेरा सब्जी अब सब्जी और गार्लिक नान रेडी है, तो सर्विंग प्लेट में निकाल के हम सर्व कर लेंगे। ये सब्जी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बता सकती हो।